लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेंटलमैन, अब मैं अपने शहर के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि वो कप और 5,000 रुपए का नगद इनाम इस जंग के विजेता शमशेर सिंह को अपने मुबारक हाथों से दें। बंद करो ये झूठा नारक। जो मार दी गई है वो भी नकली है और जो मार खाई गई है वो भी नकली है। वो कप अब भी आपके सामने धरा है। जिस माइक लाल में हिम्मत हो वो सामने आए और खुले मैदान में आके शमशेर सिंह को ललकारे। है कोई ऐसा शेरदिल? हाँ है क्यों नहीं? मैं नहीं। किसी पर। अरे मैं कोई बॉक्सर हूँ? वो पूरा इंजन का इंजन है, मार के मेरा भरता निकाल देगा। अरे यार बॉक्सर क्या मार के पेट से पैदा होके आता है? बॉक्स मजबूत है, सर मजबूत है, उसी को बॉक्सर कहते हैं। और यार फिर हमारी इज्जत का सवाल है, नाक कट जाएगी। उठ जा मेरे शेर, उठ जा, उठ जा, उठ जा। इंजन का बना दू डब्बा? अरे बना दे डब्बा, एकदम खटारा कर दे। उठ उठ।
बहादुरों की तरह लड़े और बहादुरों की तरह जीते। कमिश्नर साहब हाँ प्लीज ये आपका सर और 5,000 रुपए का इनाम। कमिश्नर साहब कप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये रुपया मैं अपनी तरफ से बांग्लादेश रिलीफ फंड में देता हूं। वैसे नौजवान तुम काम क्या करते हो? मिश्र साहब बहुत बड़ा काम करता हूं आजकल, मैं काम ढूंढ रहा हूं। ज्वाला प्रसाद जी जी आप 1,000 रुपए का इनाम रख सकते हैं, क्या इस नौजवान को काम नहीं दे सकते? क्यों नहीं क्यों नहीं मिश्र साहब, मैं चेयरमैन हूँ बॉक्सिंग का, मैं इस नौजवान को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ, पैसे अच्छे मिलेंगे। देखिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बॉक्सिंग मुझे अच्छी तरह आती भी नहीं, आप मुझे कोई भी दूसरा काम दीजिए मैं करूंगा। ड्राइविंग आती है? जी मैं बेबी हॉस्टल से लेके ट्रक तक चला लेता हूँ। तो ठीक है कल से तुम मेरे साथ मेरे शो में बनकर रहो। ठीक थैंक यू सर। क्या बात है, ये क्या है रजीब, ये कहाँ से आया? समझ लो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, ये मैंने जीता है बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग? हाँ माँ यानी के मुक्केबाजी। दशुंग दशुंग मुक्केबाजी? बाप रे बेटे तुमने मारपीट की किसी से? चोट तो नहीं आई? मेरी भोली सी माँ तुम खाम खा डर जाती हो जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ। देखो बे आगे से एक खेल कभी नहीं खेल समझे? अच्छा माँ नहीं खेलता। भगवान करे अब तुम्हें अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए। माँ लगता है तुम्हारे भगवान तुम्हारे बहुत नजदीक रहते हैं, तुम बात बाद में मुंह से निकालती हो वो पहले पूरी कर देते हैं। यहाँ से मुझे ये कप मिला है ना वहाँ एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। अच्छा हाँ कल से तुम्हारा बेटा शहर की सड़कों पर इस धूमधाम से गाड़ी चलाएगा जिस तरह पुराने जमाने में राजे महाराजे रथ चलाया करते थे। मैंने सेठ ज्वाला प्रसाद की नौकरी कर ली है। कौन ज्वाला प्रसाद? माँ उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है JP & Company। JP & Company सेठ ज्वाला प्रसाद? क्या हुआ माँ? बेटे मैंने सुना है वो अच्छा आदमी नहीं। माँ मालिक अच्छा है या बुरा ये देखकर नौकरी करनी हो तो आदमी को कभी नौकरी ना मिले। माँ नमस्ते। माँ नमस्ते भैया। अरे ये तुम अंग्रेज कब से बन गए? देखो माँ अभी पूरी 4 किताबें अंग्रेजी की नहीं पढ़ी, तुम्हारे पांव छूना भूल गए। चलो माँ के पांव छो। जीते रहो बेटे बड़े बूढ़े हो। माँ तुम अचानक आए कैसे सुरेश, न दिवाली न दशहरा न गर्मी की छुट्टियाँ। दिल उदास हो गया था माँ, तुम्हें मालूम नहीं घर से दूर घर कितना याद आता है। अरे हाँ मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? क्या है बेटे? मैं अपने कॉलेज के इम्तिहान में अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे ये भी ना कुछ बात, हमें तुम पर पूरा भरोसा सुरेश। मैं जानता हूँ एक दिन मेरा भाई पूरी यूनिवर्सिटी पूरे प्रोविंस में फर्स्ट आएगा और इस देश का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट या इंजीनियर बनेगा, तब पूरे देश के इस पे नाज होगा। आगे मेरी रानी गुड़िया। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आज दोपहर को भी खाने पे नहीं आए। बेटी क्या बताऊँ काम में रुक गया था। बाप रे काम 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 सारा दिन काम। अच्छा अच्छा बेटे कल मैं वक्त पे आ जाऊंगा ठीक है। हाय रे दद्दा रे दद्दा मर गया रे, हाय रे मेरे सर में दर्द कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम के गोले फूट रहे हैं। अरे डॉक्टर चीखो नहीं। अरे तो तुम क्या गाना गा रहे हो, तुम भी तो चीख रहे हो। मैं डॉक्टर चीख सकता हूँ? लो लो सुन लो ये डॉक्टर है ये चीख सकते हैं, इनका चेहरा तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे बिन तस्मे का बूट। आओ अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया। नर्स नर्स। अरे मारा बाप ये तो बेहोश हो गया डॉक्टर। नर्स ऐसा लगता है कि आज हम भी बेहोश हो जाएंगे, तुम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। You are very naughty, doctor. अरे ये दवा खाना है कि पागल खाना है, यहाँ मेरी जान पे बनी जा रही है और वहाँ हंसी ठट्ठे हो रहे हैं। अरे मैं मर गया हूँ वहाँ वहाँ खड़े गिच 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 क्या कर रहे हो डॉक्टर? ये स्टूपिड बहुत किट किट कर रहे हैं। अरे ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा दवा मंदिर नहीं है, टप्पू मारेगा। हाँ अल्लो, अरे अल्लो सुनो टप्पू मार रही है। अरे जुलुम की हद हो गई रे, मैं चिल्लाऊ भी ना फरियाद भी ना करूँ। अरे नर्स की बच्ची तेरे कीड़े पर जामे देख तो सही डॉक्टर के हाथ में कितना बड़ा है। अरे वो इंजेक्शन नहीं है, इसमें सुई नहीं बल्कि सुआ लगा हुआ है तंबू सीने का। अरे अच्छा मैं तुझे तंबू दिखाई दे रहा हूँ सुसरी। अरे तम तम्बू नहीं है, तम लंबू है।
अरे मेरे लंबू, चलो अभी इंजेक्शन लगाएंगे हाँ, तुम्हारे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, मैं पकड़ती हूँ तुम्हारा हाथ हाँ मेरे लंबू। शिव शंभू, अरे ये इंजेक्शन है के बंबू, इसमें दवाई की पूरी बाल्टी घुसेड़ दी है क्या? अरे जालिम क्या कर रहा है? स्टूपिड कहेगा, ये पूरा कोर्स 30 इंजेक्शन का है, जिसके लिए तुम्हें 30 दिन 30 बार 30 जगह सुई लगानी पड़ती, लेकिन मैं एक ही सुई में तुम्हारा सारा कस्सा खत्म कर दूंगा बेटा। लो हल्लो सुन लो, मेरा कस्सा ही खत्म कर डाल लिया है। अरे तू डॉक्टर है कि यमराज है? अरे मर गया रे, दोनों ने अकेले में खेल लिया रे। बकवास बंद, नर्स इसे उल्टा करो, सुई लगानी है। अरे उल्टा क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? अरे 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 डॉक्टर साहब, मुंह क्या देखता है, आंखें बंद करके घुसे हैं, डालो नहीं सुई लगाओ नहीं। डॉक्टर, ए डॉक्टर, पेशेंट मर गया डॉक्टर। वेरी गुड, अब पोस्टमार्टम होगा। हथौड़ी, हथौड़ा। अरे मारा बाप। अच्छा बेटे, देखता हूँ। आ रहा आ रहा। डॉक्टर, पेशेंट बहुत मजबूत है डॉक्टर। तेरी की गिरजा, तूने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे अभी अभी मैं कितना बड़ा ऑपरेशन कर रहा था, खोपड़ा फोड़ रहा था मैं ख्वाब में। अरे ख्वाब में ही सही, लेकिन ऑपरेशन तो लाजवाब था। तुम्हारा ऑपरेशन तो अभी मेरे डैडी कर देंगे। क्यों? वो यूं कि जब वो देखेंगे कि उनका कंपाउंडर उनकी कुर्सी पे बैठा है। क्या करेंगे वो, हथौड़े से मेरा सर फोड़ देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। अरे गिरजा, इसमें नुकसान उन्हीं का है। वो क्यों? वो यूं कि मेरे जैसा गधा उन्हें कहाँ मिलेगा, मुफ्त की नौकरी करने वाला। गधे बात मिलते हैं दुनिया में। तुम जाओ, जाकर कंपाउंडरी करो जो तुम्हारा काम है। ओके सर। और सुनो, सुनो, आइंदा से इस कुर्सी में बैठने की हिम्मत मत करना, समझे? समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। गोपी डार्लिंग, मैं पूछती हूँ, तनख्वाह मिलती नहीं, ऊपर से डांट पड़ती है, तुम क्यों करते हो, ये क्या नौकरी है? अरे तू क्या छोकरी है, मैं नौकरी के लिए नौकरी थोड़ी करता हूँ, मैं तो छोकरी के लिए नौकरी करता हूँ। गोपी, अरे थक गया, निकल नहीं, निकल फिर, हाँ निकला, आया आया। अरे तुम कहाँ भागे भागे जा रहे? सर आपने वो जो नई नौकरी दिलवाई है, आज पहला दिन है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जरा दिल लगा कर काम करना। शेष ज्वाला प्रसाद हमारे खास दोस्तों में से हैं। आप फिक्र मत कीजिए कमिश्नर साहब, मैं जी जान लगा कर मेहनत करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड। डैडी। आओ बेटी, आओ बैठ बैठ। क्या बात है डैडी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आज मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर लिया। शादी का भी। ओ डैडी, मैं भी बहुत खुश हूँ। पिंकी और मैं दोनों माँ के प्यार के लिए तरस गए। अरे पगली, मैं अपनी शादी के नहीं, तुम्हारे ब्याह की बात कर रहा था। ओ डैडी, इस फैसले की ऐसी क्या जल्दी है? बेटी तुम्हें नसे, मुझे तो है। अच्छा डैडी, मेरी सहेलियाँ बाहर वेट कर रही है, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं चलूं? हाँ जाओ बेटी जाओ, लेकिन सुनो जल्दी आ जाना। हाँ मुंशी जी, ये लीजिए, लाइए। अरे क्या मटक मटक से आ रही है। जी हाँ, मैं यहाँ नया ड्राइवर हूँ। ये सब क्या है? चांदनी और मेरे ब्याह के कार्ड। आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद। श्याम, मेरी पसंद की बात तो बात की, लेकिन मुझे पहले चांदनी की मस्जिद मालूम होनी चाहिए। और तुम तो जानते हो कि वो नए दौर की लड़की है, उसकी सहेलियां और हैं, उसकी सोसाइटी और है। ओ,
तो अब आप सोसाइटी के बारे में सोचने लग पड़े। लेकिन बॉस, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। ना अच्छा देखा ना बुरा, हमेशा आपकी खातिर अपनी जान पे खेल गया। तभी तो इकट्ठे हुए हैं दौलत के ढेर। ये सब भूल गए आप? मैं कुछ नहीं भूला श्याम। तुमको जिस वक्त जितना रुपया चाहिए ले सकते हो। बॉस, मैंने ये सब रुपए के खातिर नहीं किया। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक ही उम्मीद थी कि आप किसी दिन चांदनी का ब्याह मुझसे करेंगे। देखो श्याम, मैं कोशिश अब भी करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला चांदनी के हाथ। और अगर चांदनी का फैसला मेरे हक में ना हुआ तो क्या मैं उसकी जान ले लूं? जी नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, मैं आपके बिजनेस का भी पार्टनर हूं और आपके राजों का भी। तो तुम भी याद रखो श्याम, तुम मेरे पार्टनर जरूर हो, लेकिन जूनियर पार्टनर। श्याम, मैं जानता हूं तुम में बंदूक की सी तेजी है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि उस बंदूक को भरता कौन है, उसको चलाता कौन है। ज्वाला प्रसाद, डू यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ बात? आप गए थे हंसते खेलते और आए हैं उदास उदास। उदासी ही की तो बात है। ज्वाला प्रसाद अब ऊंची हवाओं में उड़ने लगा है। अब वो मुझे अपनी बेटी के काबिल नहीं समझता। आप हुक्म कीजिए बॉस, सूरज डूबने से पहले पहले मैं ज्वाला प्रसाद की बेटी को आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। तू जानता नहीं ज्वाला प्रसाद किस फौलाद का बना है। वो मेरे जैसे लोग बना सकता है और मरवा भी सकता है। तेरा तो साया भी नहीं पहुंचेगा उसके दरवाजे तक। चल बैठ। गाड़ी खराब हो गई है शायद। तुम गाड़ी ठीक करो ड्राइवर, हम अभी आते हैं। आओ चले। आज महीनों बाद मिले, लेकिन मिले कुछ इस तरह जैसे बेगाने हो, एक दूसरे को पहचानते तक ना हो। कहाँ खो गए थे तुम? मैं सचमुच खो गया था। बेकारी की भूल भलाइयों में आदमी कहीं ऐसा भी खोता है कि सब कुछ भूल जा। तुम्हें शायद ये भी याद नहीं होगा कि कभी हम एक साथ पढ़ते थे। तब की बात और थी, अब तो मैं आपके पिताजी का ड्राइवर हूँ। नहीं दीपक, नहीं। मेरी जिंदगी अभी तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। तुमने मेरी जान बचाई, याद है? शीश महल में है राजकुमारी साहिबा। मैं झील में डूब रही थी। जी नहीं, आप डूब कहाँ रही थी, आप तो तैर रही थी। संगे मरमर के बने हुए कीमती और खुशबुओं से महकती हुई तालाब में। राजकुमारी साहिबा, ये गीली साड़ी उतार दीजिए। साड़ी उतार दूँ? पहनूंगी क्या? घबराइए नहीं, आपका लिबास मैंने तैयार कर लिया। ये रहा आपका नाइट सूट, मेरे ख्याल में साइज ठीक रहेगा। अब आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपका पलंग सजा देता हूँ। रोक लो अपनी मस्त अंगड़ाई, दोनों आलम ना टूट जाए कहीं। आसमां के हसीन
छूट जाए कहीं। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। किन बहारों ने दुल्हन बनाया तुझे, और किरणों का जेवर पहनाया तुझे, सारे कलियों ने मिलकर सजाया तुझे, प्यार से हमने झूला झुलाया तुझे। आया मौसम जवां प्यार का, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। तेरे जलवों से रोशन नजारे रहे, इन नजारों में तेरे इशारे रहे। नीले अंबर पे जब तक सितारे रहे, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे। तेरा रखवाला दिल है मेरा, खुद ही देख लो ना। सारी बेटा, मेरे ये फजूल पैसे क्यों बर्बाद किए तुमने? मुझे कौन सा मेले में जाना है, ये जाके वापस कर दे, और सुरेश के लिए दो कमीजों या एक पतलून का कपड़ा ले। वाह वाह वाह, वो कोई लाचा है? बेटा वो कॉलेज में पढ़ता है, और कॉलेज भी ऐसा कॉलेज जहाँ सब अमीरों रईसों के बेटे पढ़ते हैं। बस माँ यही तो एतराज है, मुझे पढ़ाया तो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में, उसके लिए कॉन्वेंट स्कूल, अपनी फीस 25 पैसे, उसकी फीस 25 रुपए, और जब कॉलेज की बारी आई अपने लिए धर्म अर्थ कॉलेज, उसके लिए बेस्ट कॉलेज, जहाँ फीस इतनी है जितनी एक मामूली ऑफिसर की तनख्वाह होती है। बेटा तुम दोनों में बड़ा फर्क है,
तुम एक बेसहारा विधवा के बेटे थे और वो तुम्हारे जैसे भाई का छोटा भाई है। ले बेटा वापस कर दे। ये क्या, माँ के कपड़े वापस करके उसके लिए कपड़े लाऊं? अरे माँ तेरे उस लाडले के लिए ऐसे कपड़े लाऊंगा देख के हैरान हो जाएगी। ये देख, दो बुशर्ट एक पैंट, राजेश खन्ना देवानंद ऐसे कपड़े नहीं पहनते। बाबा कितना अच्छे कपड़े हैं बेटे, अपने लिए कुछ नहीं लाए? अरे माँ अपनी ये वर्दी अच्छी है ना, और सेठ जी ने कहा है कि सर्दियों में दो गर्म वर्दियां सिलवा के देंगे। जी औलाद, जी बेटे, भगवान हर घर में ऐसे बेटे दे। अरे माँ ऐसा कैसा, ऐसी माँ हर घर में दे। क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊं? यस डॉक्टर। यस कम इन। आओ। यस कम इन। डॉक्टर जान। अच्छा अंदर। सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल फेंकने होंगे। क्या वक्त है, मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। ये देखो, ये देखो, ये छत है। छत है? वो जमीन है। वो जमीन है? ये टेबल है, ये कुर्सी है ना? और कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ ये तुम्हारा बाप हाथ में पकड़े हुए डॉक्टर दिखाई नहीं देता? तू तो कंपाउंडर है। कंपाउंडर पहले था लेकिन अब मैं डॉक्टर ऑलराउंडर। ऐसा क्या है, अरे डॉक्टर की जो कुर्सी बैठता है वो डॉक्टर होता है, मास्टर की कुर्सी बैठता है मास्टर होता है, मिनिस्टर की कुर्सी बैठता है मिनिस्टर होता है। बच्चों इंसान कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कुर्सी इंसान के अंदर डर लगाती है। आज हम डॉक्टर की कुर्सी बैठे हैं इसलिए डॉक्टर है। अब ये बताओ क्या हुआ है? अभी कुछ कम हुआ है। मतलब? मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? नशा। नशा? अरे बेवड़े बास, इसको क्या आंटी का अड्डा समझ रखा है? ये दवाखाना नहीं है, दवाखाना है। तभी तो आया हूँ। अरे व्हिस्की भी एक दवा है, मैं मरीज व्हिस्की हूँ, मेरी दवा व्हिस्की हो। ये ख्याल आपका है लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं अंदर जाऊँ? अंदर ब्लैक से मिलेगी क्या? आसमान आउट आउट आउट। अरे मत खा बाप। अरे देखो अगर भाई मालूम होता है तो अंदर आते ही क्यों? अरे छू रहे। अच्छा देखो फैसला कर लो। क्या फैसला? फैसला कर लो। कौन सा? न अंदर न बाहर। तो फिर मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। मैं ऊपर? ए ए ए ए ए ए ए ए ना इस दरवाजे को बाहर बाहर ले लो। लाना सुबह सुबह ये भेड़ बस कहाँ से आ गया? हाँ कोई बात नहीं। लेडी पेशेंट बड़ा घूंघट है। अरे भाई डॉक्टर से कैसे पढ़ना और भाई से क्या पेट छिपाना? देखिए आप शर्माइए जरूर लेकिन कम से कम बीमारी का नाम तो बताइए। नहीं अच्छा देखिए ऐसा करिए मैं कुछ बीमारियों का नाम लेता हूं, उसमें से जो बीमारी आपको पसंद आ जाए उसके ऊपर मुंडी हिला दीजिए। सर बेटा देखो बीमारी नाजुक मालूम होती है, आप ऐसा कीजिए आपका हाथ इस तरफ लाइए, मैं जरा नब्ज देखकर पहचानता हूं। ओहो पहचाना। हाथ नरम है और खून गर्म है। ये जलती जवानी आग झूमती है, कहां है पानी और गोपी के लिए मेरी जीत जाती वाली। गोपी ये क्या बकचोदी है, रोता क्यों हो? अरे डॉक्टर साहब ये गाने गंगाई ली और एकदम से बेहोश हो गई। संभालिए इसको, संभालिए इसको। मेरी बच्ची? अरे ये क्या मेरी बच्ची अंगड़ाई लेकर? फिर तो खानदानी बीमारी मालूम होती है, इसकी माँ भी शादी से पहले अंगड़ाई लेकर बेहोश हो जाया करती थी। गिर जा गोपी। आया डॉक्टर साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैंने इस उम्र में बहुत सी लड़कियां बेहोश होते देखी है लेकिन शादी के बाद वो एकदम फिट हो जाती है। हाँ गोपी ठीक कहते हैं, गिरजा की माँ भी शादी के बाद फिट हो गई थी। मैं कहाँ हूँ? तुम बेटी, बेटी तुम मेरे पास हो। नहीं मत लो अंगड़ाई, मत लो अंगड़ाई, मत लो भगवान के लिए मत लो, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। अच्छा,
मेरी डॉक्टर बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए तो ब्रेक पर खुद ब खुद पांव चला गया। आपको पसंद है ना? आइए ना। मरीज कहाँ है? ऊपर है, बेडरूम में। आइए ना, आइए आइए। मरीज कहाँ है? आपके पीछे जनाब, मरीज दिल बीमार हुस्न। छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो। शाम शाम घर पे हैं, सेठ जी ने बुलाया। श्याम साहब तो अभी अभी सेठ साहब के घर गए, आपको रास्ते में नहीं मिले? चले गए। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम? हाँ मैं। चले जाओ यहां से। आते होंगे भैया। वो आने में बहुत देर कर रहा है, मेरे पास वक्त नहीं है बेटे। माँ, क्या हुआ तुम्हें? सुरेश, क्या हुआ? माँ, मैं तो यहीं आ गया था भैया, देखा माँ बेहोश पड़ी हुई है। मैं कहाँ बेहोश हूँ। तुम माँ के पास चलो, मैं डॉक्टर को लेके आता। दीपक, ठहरो बेटे। सुरेश, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। माँ, क्या बात है? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटे। मैं आज बात नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बरसों से एक राज मैंने सीने में छिपा रखा है, आज वो राज तुम पे खोलना होगा। राज? कैसा राज माँ? बहुत साल पहले सुरेश के पिता मेरे भैया अफ्रीका में रहते थे। लाखों का कारोबार था उनका। ज्वाला प्रसाद
जिसके पास तुम नौकरी करते हो उनके वहां वो मामूली नौकर। एक बार भैया बीमार पड़े, ज्वाला प्रसाद ने उनकी बहुत सेवा की, मगर डॉक्टरों को उनके बचने की कोई उम्मीद न रही। तो भैया ने एक दिन वकील को बुला के वसीयत लिख दी, सारी जायदाद और दौलत अपने बेटे के नाम लिख दी और बेटे के निगरान बना दिया अपने वफादार नौकर ज्वाला प्रसाद। फिर क्या हुआ माँ? फिर भैया अच्छे हो गए, मगर जैसे सांप के अंदर पहुंच के दूध भी जहर बन जाता है, उसी तरह रुपये के लालच ने ज्वाला प्रसाद को इंसान से शैतान बना दिया। एक दिन जब भाई सड़क पार कर रहे थे, पीछे से आंधी झक्कड़ की तरह एक लारी आई और उसने भैया को अपनी लपेट में ले लिया। सारी सड़क उनके खून से लाल हो गई, लेकिन ये हादसा नहीं था बेटे, साजिश, ज्वाला प्रसाद की साजिश थी। वो तो इस नन्हे जान को मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन घर में एक और नौकर था, वो ज्वाला प्रसाद की तरह नमक हराम नहीं था। वो बेचारा अपनी जान पे खेल के सुरेश को मेरे पास ले आया। तब से मैंने सुरेश की जान को अपनी जान से बढ़ के समझा है बेटे। माँ तुम फिक्र मत करो, मेरी तरह एक हिसाब तुम्हारा भी निकला ज्वाला प्रसाद के साथ, इसलिए तुम्हें अब मरना नहीं जीना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। अब दुनिया में उसके दो ही रखवाले हैं, या वो या तुम। अपने हाथ दो मुझे दीपक, ये लो मेरी अमानत तुम्हारे पास। प्रसाद अब तुम्हें मालूम होगा बंदूक भरता कौन है और चलाता कौन है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। झूठ और सच का तो तब पता चलेगा बॉस, जब आपके मालिक का बेटा अपने बाप की जान का हिसाब मांगेगा, अपने बाप की दौलत मांगेगा, अपने बाप की जायदाद मांगेगा। शाम, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बॉस, मैं धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको आगाह कर रहा। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उसमें बराबर का हिस्सेदार मैं भी हूं, आपके राजों का हिस्सेदार और आपके जुर्मों का हिस्सेदार। लेकिन अफ्रीका का किस्सा सिर्फ आपका किस्सा है, इसमें जेल जाएंगे तो आप, फांसी होगी तो आप। बकवास शाम, फांसी का मुकदमा कोई मजाक नहीं होता, उसके लिए सबूत चाहिए। आपके मालिक का बेटा इसी शहर में है, जब चाहूं उसे पेश कर सकता हूं। क्या? ये नहीं बॉस, अगर आप चाहें तो खत्म भी कर सकता। शाबाश शाम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो मुझे भी थी बॉस, लेकिन वो उम्मीद कभी पूरी होगी अब तो ये भी उम्मीद नहीं। शाम, जरा सबर से काम लो, मैं आज ही चांदनी से बात कर लेता और फिर तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहां मिलेगा। अच्छा डैडी, हम उसकी अच्छी तरह हाजिर करेंगे। अरे गिर जा, मेरी तरफ फिर जा। अरे उस दिन वाली तेरी अंगड़ाई फिट हो गई, अपनी सगाई फिट हो गई। अभी भी डॉक्टर साहब रास्ते में मिले थे, कहने लगे बेटे गोपी ये मिठाई घर लेके चलो, अपनी गिरजा की सगाई होने वाली है। अरे बुद्धू, सगाई जरूर होने वाली है, मगर तुमसे नहीं किसी और से। क्या? हाँ। अरे तो क्या मैं अपनी मौत का सामान अपने सर पर उठा के लेकर आया हूँ? और मेरी मौत का भी। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। कौन है वो कमबख्त? आगरे के कोई पागलखाने का डॉक्टर। क्या? आगरे के पागलखाने का डॉक्टर? अच्छा तो उस पागलखाने के डॉक्टर को यहाँ के पागलखाने में बंद करवा देंगे। डॉक्टर गिरधारी लाल जी, डॉक्टर साहब। आ गया बेचारा पगला। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। मैं पागलखाने का डॉक्टर आगरे से आया हूँ, डॉक्टर पंचोटिया, आरबीबीएफ टीटीएस लंदन। आपकी तारीफ। मैं डॉक्टर साहब की लड़की बेटा। आप तो बहुत फॉरवर्ड मालूम होती हैं, इसलिए मैं जरा बैकवर्ड हो जाता हूँ। आपकी तारीफ की। बहुत बड़े पागल है, इलाज करने के लिए आए हैं। कहा जाता है बकरे, इस कटोरे में मुंडी रख। अरे कॉफी, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे शादी से पहले मीठा बना दोगे क्या? बाप की आंखों की रोशनी हो, लेकिन सर पर दूसरे का कर्ज। हर बाप यही चाहता है कि कर्ज जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा। आप क्या कह रहे हैं दादी? बेटी मैंने फैसला कर लिया है कि अब जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ पीले कर दिए जाए और खुद आजाद हो जाए। मगर इसकी इतनी जल्दी क्या है दादी? बेटी जल्दी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितनी जल्दी है। मगर क्यों, मेरी अभी उम्र ही क्या है? बेटी सवाल तुम्हारी उम्र का नहीं, सवाल मेरी जिंदगी का है। अब मैं इसमें ज्यादा देर नहीं कर सकता, मैंने तो लड़का भी चुन लिया है। चुन लिया? आप तो चुनाव की बात कर रहे हैं डैडी। मैं बोलो बेटी बोलो, क्या कहना चाहती है? मैं भी किसी से। किससे? आप उन्हें जानते हैं डैडी, आप उन्हें मिल भी चुके हैं। नाम क्या उसका? दीपक। दीपक? अच्छा अच्छा अच्छा, वो सेठ पन्ना लाल जी का लड़का जिनकी कपड़े की मिले जी? नहीं जी नहीं।
हाँ तो वो मेला राम जी का लड़का होगा, वो जिनके लोहे के कारखाने हैं। नहीं डैडी, वो भी नहीं। तो फिर कौन है वो? हमारा अपना दीपक। अपना दीपक? मेरा ड्राइवर? खूब, मैं भी मिठाई दूंगा आता हूँ और सारे शहर में बांट देता हूँ और लोगों से कहता हूँ आओ मुझे बधाई दो, क्योंकि मेरी बेटी ने ऐसा दूल्हा चुना है जिससे मेरी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। बेटी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने जूते की खाक को सुरमा बनाकर अपनी आंखों में नहीं डाल सकता। डैडी, अब मैं ही अपने दिल को समझा लूंगी, दिल पे जबर कर लूंगी, इसी घर में रहूंगी आपके पास, आपकी सेवा ही मेरा धर्म होगा, मेरी खुशी। तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करोगे, इतना बड़ा जबर कर लोगे अपने दिल पर? और रास्ता ही कौन सा है बेटी? एक रास्ता है, मैं तुम्हारी खातिर गिर नहीं सकता, मगर उसको वो जगह जरूर दे सकता हूं जो तुम्हें हासिल है, मुझे हासिल है। मैं अपनी बेटी को एक ड्राइवर की दुल्हन नहीं बना सकता, लेकिन एक ड्राइवर को अपनी बेटी की खातिर लखपति जरूर बना सकता हूं। वो कैसे डैडी? बेटी, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं चाहता हूं जो मेरा दामाद बने वो मेरा बेटा भी बन जाए और शादी के बाद इसी घर में रहे, वो मेरा सारा कारोबार सारी जायदाद संभाल ले। बेटी बेटी, क्या वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा डैडी, मुझे विश्वास।
है चांदनी, आज बहुत खुश नजर आ रही है। तुम्हें क्या मालूम दीपक, आज मेरे दिल में गीत है जिससे मेरा सारा शरीर काम है। हाँ गीत तो मैंने सुना, और कुछ? और ये कि बहुत ही जल्द तुम ड्राइवर से लखपति बनने वाले हो। अरे वो कैसे? दीपक मेरे डैडी सोच रहे हैं तो मेरी शादी तुमसे कर दी। इसमें जरूर तुम्हारे डैडी की कोई चाल है। वो क्या चाल चलेंगे तुम्हारे साथ, जब उन्हें मालूम हो गया दीपक कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो सब कुछ भूल गए। नहीं चांदनी, वो कुछ भी नहीं भूले, उनके लिए जिंदगी महज शतरंज का एक खेल है। और प्यार, प्यार की कीमत उस मामूली प्यादे से ज्यादा नहीं जो पहले ही चाल में मारा जाता है। तुम उल्टा समझ रहे हो दीपक, तुम सीधी तरह क्यों नहीं सोचते? वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटी तुमसे प्यार करती है। वो तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं दीपक, मैं तुम्हारी हो जाऊँ और तुम उनके हो जाओ। तुम अपने डैडी को नहीं समझती चांदनी, मैं जानता हूँ उनके दिल में क्या है और जो वो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। दीपक मुझे आज मालूम हुआ मेरे लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ शतरंज का खेल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे गलत मत समझो चांदनी, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी तुमसे करूंगा तुम्हारे डैडी की दौलत से नहीं। मेरी दुल्हन मेरे घर आकर रहेगी, जो रूखा सूखा मिलेगा मेरे साथ मिलकर बांट कर खाएगी, मेरे दुख सुख में बराबर की हिस्सेदार होगी। तुम क्या समझते हो दीपक, मैं तुम्हारे दुख सुख में बराबर की हिस्सेदार नहीं हो सकती। तुम हो सकती हो चांदनी, मगर तुम्हारे डैडी कभी नहीं मानेंगे। वो दीवारें खड़ी कर देंगे, खाइयां खोल देंगे। इसीलिए कह रहा हूं तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और। तुम्हारा से कहते हो चोरी करो और साहूकारों से कहते हो जागो, ये आठवचोली का खेल मुझे पसंद नहीं बॉस। वादे शादी के किए जाते हैं मुझसे और संदेश से भेजे जाते हैं दीपक के घर, कहिए ये झूठ है? ये झूठ है, मैंने चांदनी को दीपक के पास भेजा था लेकिन वो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? इसलिए कि वो तुम जैसा अकलमंद है, वो मेरी लाखों की जायदाद चुका सकता है लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़ सकता। हाँ दीपक मान गया, लेकिन उसे दूसरों की तरह आपकी दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए जिससे वो प्यार करता है। और खून की हर कतरे में नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत दिए घूमते हैं। डैडी, दीपक को समझने में आप भूल कर रहे हैं। भूल मैं नहीं कर रहा, भूल तुम कर रही। दीपक मुझसे नफरत करता है, तुमसे नफरत करता है, क्योंकि मेरे दर्जे तक वो पहुंच नहीं सकता, इसलिए मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेटी याद रखो, न मैं खुद गिरूंगा न तुम्हें गिरने दूंगा। डैडी ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हारी शादी दीपक से नहीं होगी, शाम से होगी। शाम कौन शादी की तैयारी? यस दीदी, दीदी पिंकी तो अब तक जाग रही है। दीदी जब तक तुम कहानी ना सुना मुझे नींद ना आए। देखो पिंकी अब ये कहानी की आदत छोड़ दो, कल मैं चली गई यहाँ से तो कैसे नींद आएगी तुम्हें? कहाँ चल जाओगी दीदी? कहीं भी, सभी लड़कियों को कभी ना कभी घर छोड़ना ही पड़ता है, उन्हें जाना ही पड़ता है किसी दूसरे घर, कोई और संसार बसा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी दीदी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मेरी रानी आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। एक था राजा, बहुत धनवान, बहुत बलवान, और एक था रथवान, बड़ा सुंदर, बड़ा बहादुर। राजा की बेटी राजकुमारी उससे प्यार करती थी। राजा चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी राजकुमार के साथ ही हो, फिर चाहे वो कितना बुरा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो। तुम इतनी रात क्या कहाँ जा रही हो? मैं भी यही पूछने वाली थी, तुम इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से आ रहा हूँ, शाम के हाथ तुम्हारे डैडी का फरमान आया था और साथ में ये गाड़ी भेजी है कि मैं उनके हजूर में जल्द से जल्द हाजिर हो जाऊँ।
डैडी ने? ओह समझी, डैडी मेरे साथ तुम्हें भी सोने के कैदखाने में बंद कर देना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं दीपक, मैं खुद वो जेलखाना तोड़कर भाग आई हूँ। क्या मतलब, तुम घर छोड़कर भाग आई हो? अब जाओगे कहाँ? अपने घर, अपने पति के घर। जेल से भागने का मतलब आजादी नहीं चांदनी, फरार होना है। तुमने अच्छा नहीं किया। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आओ मेरे साथ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं ज्वाला प्रसाद बोल रहा हूँ। ज्वाला प्रसाद जी? जी माफ कीजिए, इतनी रात के आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है हुजूर। मेरी जवान लड़की घर से भाग गई। आप पुलिस स्टेशन में जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। यहाँ क्यों लाया मुझे? इसलिए कि तुम्हें पुलिस को सौंप दूं और वो तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचा दे। आइए तशरीफ ले आइए। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते, कहिए क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये चांदनी है, सेठ ज्वाला प्रसाद की बेटी, अपने घर से भाग आई। और ये है मिस्टर दीपक, शहर के कोतवाल और सारे हिंदुस्तान के रखवाले, जिन्होंने घर से भागी हुई लड़कियों को घर वापस भिजवाने का ठेका ले रखा है। प्लीज बैठिए। आप भी आइए। आइए ज्वाला प्रसाद जी आइए। चांदनी तुम यहाँ? तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। तुम इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा किया आपने जो इस बदमाश को पकड़ लिया। ये मेरी बेटी को भाग लाया है। ये आपकी बेटी को भाग लाया है? जी हाँ। लेकिन ये तो आपकी बेटी को यहाँ लाया है वापस पहुंचाने। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, इसमें जरूर इस आदमी कोई चाल होगी। देखिए ना, बेचारी के मुंह से बात तक नहीं निकल रही, डर के मारे बैल की तरह कांप रही है। ये देखिए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसके हाथों में कम से कम 2 लाख रुपए के जेवरात थे। कहाँ छुपाए तुमने वो जेवरात? मुझसे क्या पूछते हैं, अपनी बेटी से पूछिए। बेटी करो बात, साफ साफ बता दो कि वो जेवरात किसने चुराए। कह दो, कह दो। ये सच है इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी बड़ा चोर। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब आपने? मुझे शर्म आती है कहते हुए, मेरे डैडी झूठ बोल रहे हैं। मेरा कोई गहना चोरी नहीं हुआ और ना ही दीपक मुझे घर से भगा के लाया है। मैं भागी हूँ तो खुद घर से नहीं, जेल खाने से। जान नहीं, इसके बाद एक लफ्ज भी तुमने और कहा है तो याद रखना। डैडी मैं मानती हूँ माँ बाप के बच्चों पर बड़े हक होते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये हक नहीं, जिद है आपकी। तो कान खोलकर सुन लो, आज से तुम मेरी बेटी हो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। डैडी खबरदार, जो मुझे डैडी कहा तुम मेरे लिए मर चुकी हो। दीपक सुनो, तुम चांदनी मर चुकी है। ऐसा मत करो चांदनी, ये उसकी लाश है दीपक, क्या तुम एक लाश के साथ शादी करोगे? नहीं, ये शादी मार के साथ नहीं होने दूंगा। आप देख रहे इंस्पेक्टर साहब, इस गुंडे ने ना जाने कैसे जादू कर दिया मेरी बेटी पर, कैसी गुस्ताखी में उतराई। गुस्ताखी नहीं डैडी, सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया की कोई ताकत झुठला नहीं सकती। जाननी ये झूठ और सच के भाषण भूल जाओ, ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मिस्टर ज्वाला प्रसाद, आप ये शादी नहीं रोक सकते, ये दोनों बालिग हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं। अगर आपने रुकावट डालने की कोशिश की तो कानून इनका साथ देगा, आपका नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ज्वाला प्रसाद को कानून सिखाने की कोशिश मत कीजिए, आप शायद मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है। कानून किसका साथ देगा ये आपको और तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। फिक्र नहीं करो चांदनी, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मिस्टर दीपक आप लोग जा सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इंस्पेक्टर।
चांदनी, क्या देख रही हो? क्या देख रही हो तुम? तुम्हें सोच रही हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा पति एक राज है, एक पहेली है। नहीं चांदनी, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। पता नहीं इतनी सीधी साधी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई। समझो तो कैसे समझो, पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम कॉलेज में पढ़ती थी, फिर देखा एक दिन साहब मेरे ही घर में ड्राइवर बने खड़े। सोचा था शादी के बाद मुझे किसी टूटे फूटे झोंपड़े में ले जाएंगे ड्राइवर साहब, और यहाँ आके देखा तो जनाब झोंपड़े में नहीं, एक अच्छे खासे घर में रहते हैं। बात यह है चांदनी, जब रानी ने रंग से ब्याह रचाने का फैसला किया तो ऊपर वाले ने उनके रहने के लिए सजा सजाया राजमहल भेज दिया। क्या बात है बॉस? तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे अंदर कैसी आग भड़क रही है, जिसे मैंने हमेशा अपनी दुल्हन समझा, आज वो मेरे दुश्मन के घर का गहना बन गई। इंतकाम की आग शराब से नहीं बुझती बॉस। और किससे? आप हुक्म कीजिए, काम यूं होता है। कैसी बनी है? चांदनी, चांदनी रात का नशा उतरे तो बताऊं कैसी बनी है चाय? कैसा नशा? इस महकते हुए दहकते हुए बदन का नशा, इन शराब से छलकते हुए प्यालों का नशा, और इन रस भरे मत भरे गुलाब से होठों का नशा। ओफो, कौन है कम्बख्त? चांदनी, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, जाकर देखो ना कौन है। आ जाते हैं बोर करने। हेलो दीपक। अरे आप लोग कैसे हैं? अपने यार को मुबारकबाद देने की। आइए आइए बैठिए। चांदनी, इन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। खाएंगे बाद में, पहले हार पहनाएंगे दूल्हा को। थे मेरे जरा एक्सरसाइज करने आए थे। चलो अंदर। ये कार्ड किसके हैं? मेरे, कल से मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। रोमियोपैथिक क्लिनिक। ये रोमियोपैथी क्या बला है? अरे भाई, जैसे एलोपैथी होम्योपैथी उसी तरह रोमियोपैथी। तुम मेरी जूलियट हो, मैं तुम्हारा रोमियो हूँ, मेरी पैथी क्या होगी? रोमियोपैथी। जैसे तुम्हारे बाप का दवाखाना है उसी तरह मैं भी अपना दवाखाना खोल रहा हूँ।
डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। तुम सब एक ही कार के अंदर आओ, हम तुम सबको बनाएगा। डार्लिंग, बाहर बैसाखी का मेला लग गया है। अरे अरे, लेकिन तुमने क्या कर दिया, सारी बाल्टियों में एक रंग। जब दवा एक है तो रंग भी एक होगा। अरे दवा तो एक है लेकिन मरीज अलग अलग है, रंग अलग अलग, ढंग अलग अलग है। तो फिर मैं क्या करूँ? ऐसा करो, ये सारा माल कैंसिल करो, इसको गटर में फेंक दो और फौरन बोरे में से नया मसाला निकालकर उसमें रंग मिलाकर उसके नौ रंग बना दो। नाक के लिए नीला, कान के लिए काला, पेट के लिए पीला, काला नहीं पीला। लेकिन देखो डार्लिंग, एक बात का ख्याल रखना कि रंग में भंग ना मिल जाए। आज पहला दिन है डार्लिंग, लो मेरा कोट और मैं भी आता हूँ, एक एक को भेजता हूँ। लो दवाई लो जाओ। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, ये रहा आपका विजिटिंग कार्ड, तो ये रहा मेरा छोटा सा एक्सरे। एक्सरे देखने का आपको जरूरत नहीं है, हमारा अंक में एक्सरे है, हम ऊपर से देखते हैं आदमी को, अंदर का सब कुछ बताता है। तुम्हारे को सांस का बीमारी था? था। अभी तुम्हारा पेट में गैस है, बड़ा बड़ा फोड़ा है, अल्सर है। कोई भी डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करने का 1000 रुपीज बोलेगा, फिर भी तुम्हारा जीने का चांस 50-50। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? 50-50 यानी कि? अरे पगले, अगर कोई भी तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, चिरापारी करेगा, 1000 रुपए लेगा, हम खाली 500 रुपए में तुम्हारे को भला चंगा बनाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है डॉक्टर साहब। पैसे निकालो। पैसे? करेक्ट। 500। ये लो पीला दवाई। पीला दवा? तुम बहुत लाल हो गया, इसके वास्ते पीला दवाई। ओहो कोई बात नहीं, मगर डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। तुम ऐसे ठीक होगा कि याद करोगे। जाओ दवा लो, पीला दवाई। क्या हुआ, गर्म क्यों हो रही है? ये देखे टिकट। अरे मैं तो भूल गया, जो मैं झूले देखने जाना था। चलो जल्दी दिखा। ये देखो ये वक्त है जाने का, ये टिकट का सिर्फ चूल्हा फूकने के काम आएगा। क्या करूँ चांदनी, धंधा ही ऐसा कुछ याद नहीं रहा। कैसा धंधा है, जानो कोई त्योहार है ना इतवार है। और मैं सोचता हूँ ये कैसी शादी है, यहाँ ना मोहब्बत है ना प्यार है, बस तकरार ही तकरार है। जानते जब पति थक कर घर लौटते हैं तो बीवियां चौखट पर मुस्कुराहटें बिखेर देती हैं, और यहाँ बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं। यहाँ बिजलियां भी चमकेंगी और बादल भी गरजेंगे, रोज तुम्हारा यही चलन रहा तो झगड़े भी होंगे, शिकवे भी होंगे। और रहने दो। शिकवे छोड़ो भी तकरार की बातें, छोड़ो भी तकरार की बातें। जब तक फुर्सत दे ये जमाना, क्यों न करें हम प्यार की बातें। देर से आए, एक तो हम कुछ देर से आए, उस पर भी आराम न पाए। दिल न जलेगा, बोलो दिल न जलेगा। जाओ जाओ कहलाते हो तुम हमें बातों से, कहने दो कहने दो। रहने दो गिले शिकवे छोड़ो भी तकरार की बातें, छोड़ो भी तकरार की बातें। जब तक फुर्सत दे ये जमाना, क्यों न करें हम प्यार की बातें। चलेगा, बोलो ये तो चलेगा।
किले शिकवे छोड़ो भी तकरार की बातें छोड़ो भी तकरार की बातें जब तक फुर्सत दे ये जमाना क्यों ना करें हम प्यार की बातें कहने दो कहने दो अब रहने दो रहने दो ये डॉक्टर की डिस्पेंसरी या बढ़ई की दुकान ये क्या कर रहे हो मैं कहता हूं ये क्या कर रहे हो सर मक्खियां मार रहा हूं अब और काम ही क्या बचा है आपके लिए मेरे लिए मक्खियां तुम ठीक कहते हो ऐसा लगता है सारे शहर में कोई बीमारी नहीं रहा बीमार तो बहुत है आपकी दुआ से लेकिन सारे बीमार उस रोमियो पीथी वाले डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं न जाने कौन सा जादू है उसकी दवाई में सारा शहर उसी के गुनगा रहा है मैं तो कहता हूं आप भी चले जाइए उसी के पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुझे क्या बीमारी तो अरे घर में बैठी जवान बेटी बीमारी नहीं होती क्यों आप भी अजीब आदमी हैं यहां से लेकर आगरे के पागलखाने तक जा सकते हैं दवा ढूंढने लेकिन दो कदम पर बेचारे उस रोमियोपैथी के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते मगर फायदा क्या अरे इसमें फायदा ही फायदा है वो डिस्पेंसरी नहीं है बल्कि टकसाले रुपयों की टन टन टना टन टन अगर आपने उसे अपना दामाद बना लिया ना तो आपकी सारी बीमारियां चुप आइडिया वेरी गुड आइडिया मगर इतना बड़ा डॉक्टर अभी तक कमा रहा होगा उसकी तो शादी हो चुकी होगी ना 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 आपकी दुआ से मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं शुद्ध कवारा है यानी कि प्योर बैचलर और फिर मोटर गाड़ी हाट हवेली खाट खटोली सबसे बड़ी बात तो यह है कि खानदानी डॉक्टर है और शादी भी किसी मशहूर खानदानी इज्जतदार डॉक्टर की लड़की से करना चाहता है वेरी गुड फिर हम तो इज्जतदार हैं खानदानी भी हैं और मशहूर तो हैं बिल्कुल इसीलिए तो कह रहा हूं कि जल्दी से जाइए और शादी की बात पक्की करके आइए घड़ी भी बिल्कुल शुभ है और कांटे भी मिले हुए हैं वेरी गुड मैं अभी जाता हूं शादी पक्की करके जाइए 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 आइए 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 गले लग जाइए डॉक्टर गुड मॉर्निंग ओह डॉक्टर गिदारीला अरे आप मुझे जानते हैं क्यों आप डॉक्टर गिदारीलाल नहीं हैं डॉक्टर गिदारीलाल Son of Dr. Banwari Lal, grandson of Dr. Patwari Lal, Lali Lal. आप तो मेरे सारे खानदान को जानते हैं हम खानदान पांडान उगालदान सबको जानता है एम्बुलेंस से लेटेस्ट तालीम लेकर आया है मरीज का मुकरा देखकर उसका टुकड़ा बताता है खानदान का हिस्ट्री देखकर उसका मिस्ट्री बताता है कमाल डॉक्टर साहब आपका तालीम कमाल है ये कुछ कमाल नहीं है तुम नीचे बैठो हम तुमको कमाल दिखाएगा इधर आओ बैठ जाओ तुम अपने छोकरी का रिश्ता पागल खाने के डॉक्टर के साथ तय किया ठीक वो रिश्ता टूट गया ठीक तुम्हारा छोकरी कंपाउंडर के साथ में ठीक नो डॉक्टर नो ये गलत है डॉक्टर डॉक्टर की दारी लाल तुम लाल पे काय को होता है हम तुमको अभी ठंडा बनाएगा तुम अपने छोकरी का रिश्ता हमारे साथ में करने को आया ठीक बिल्कुल ठीक अगर हम रिश्ता मंजूर करेगा तुम आज जाकर अभी मुहूर्त निकलवाएगा ठीक बिल्कुल ठीक जाओ जाकर मुहूर्त निकलवाओ ठीक बिल्कुल ठीक 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 नर्स नो नर्स डॉक्टर नर्स अभी उतर जाएगा सब कर्स ओह माय नर्स डैडी हां बेटी आओ डैडी हां बेटी कल मेरी सालगिरह है ना हां बेटी कल हमारे मुन्ने की सालगिरह है मुन्ने की नहीं मुन्ने की अच्छा बाबा मुन्ने की सही देखो पिंकी कल मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को टीचर्स को अपने बहुत दोस्तों को बुलाया है हमारी बच्ची की सालगिरह इतनी धूमधाम से होगी कि लोग अशश कर उठेंगे डैडी मेरी दीदी भी आएगी ना नहीं बेटे तुम्हारी दीदी नहीं आएगी तुम्हारी दीदी अपने घर चली गई है और तुम्हें मालूम है कि शादी के बाद कभी इस घर में आई अच्छा डैडी मेरे कहने पर दीदी जरूर आएगी मैं जाती हूं नहीं बेटी नहीं उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं वो नहीं जी ये क्या है पिंकी के लिए छोटा सा फैसला हो गया
बिन बुलाए पार्टी में जा रही है? बुलाते तो है लोग बाहर वालों को, घर वालों को थोड़े न्योता भेजते हैं। और पिंकी बेचारे का हमारे सिवा और है भी कौन? हम नहीं जाएंगे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। अरे तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम कितने प्यार से उस घर में जा रही हो, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हारे प्यार का थोड़ा सा हिस्सा भी दे सकेंगे। चांदनी, कौन जाने उस घर में तुम्हारा स्वागत किस तरह हो। अच्छा ही होगा दीपक, मुझे विश्वास है डैडी पिछली बातों को भूलकर मुझे प्यार से गले लगा लेंगे, तुम्हें भी पूरी इज्जत देंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, तुम्हें भी चलना होगा। नहीं चांदनी, मैं उस घर में नहीं जा सकता, मेरे भी तो कुछ असूल हैं। तुम जाओ। नाराज मुझसे? नहीं तो, तुम जाओ ना। देवी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो डैडी नाराज होंगे। होने दो डैडी को नाराज, क्या कर लेंगे, मारेंगे ना, मारने तो जितना मारना चाहे, लेकिन जब तक दीदी नहीं आएगी मेरी पार्टी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी रानी, मेरे बच्चे। पिंकी क्यों रे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तेरी सालगिरह और तेरी दीदी ना है? अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं मेहमानों को देखती हूँ। अच्छा, मुझे जल्दी तैयार कर। अच्छा, जल्दी। Yeah.
मैं भी अब चलूं। दीदी इतनी जल्दी? हाँ मेरी बच्ची, तेरे जीजाजी घर वापस आ गए होंगे। मेरी नन्ही सी गुड़िया, तू सदा सुखी रह। और हाँ, ये तेरे जीजाजी और दीदी की तरफ से छोटा सा तोहफा। रंकी, छूना मैंने इसे। चांदनी, कैसे मजाल हुई तुम्हारी इस घर में आने की? बोलती क्यों नहीं? क्यों आई हो यहाँ? क्यों? मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई और न ही अपने लिए आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ इस मासूम का दिल रखने के लिए। हाँ डैडी, दीदी मेरे लिए आई है। ये तुम्हारी दीदी नहीं और ना ही मेरी बेटी। इसने उसी दिन सारे रिश्ते तोड़ लिए थे जिस दिन मेरी मर्जी के खिलाफ दलील ड्राइवर से शादी की थी। निकल जाओ यहाँ से। बोलो नहीं तुमने, निकल जाओ। चलो निकल निकल जाओ मेरे घर से। रिंकी, और ले जाओ ये चीज़ा भी अपने साथ। दीदी, बिंकी, दीदी, चल अंदर। दीदी, नहीं रो मेरी बच्ची, नहीं रो ना, नहीं रो मेरी बच्ची। बेटी, भगवान तेरा भला करे। अरे तुम कब आए? मैं अभी आया। कहो पार्टी कैसी रही? बहुत शानदार। पिंकी तो फूलों की तरह खिल उठे मुझे देखकर। सच में मैं बता नहीं सकती उसकी आंखों में कैसे तारे जगमगा रहे थे। अच्छा, अपने डैडी से भी मुलाकात हुई होगी? हाँ, वो भी बेहद खुश हुए मुझे देखकर। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया, मुझे चूमा, जैसे मैं सब कुछ भूल गया, अपना गुस्सा, अपनी नफरत। चांदनी, तुम्हारी जबान कुछ कह रही है चांदनी, और तुम्हारे आंसू कोई दूसरी कहानी सुना रहे हैं। सच क्या है मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। क्या मतलब? हाँ, वहां तुम्हारे साथ क्या बर्ताव हुआ मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ वहां तुम्हारी कितनी खातिर हुई, तुम्हारे डैडी ने तुमसे कितना प्यार किया, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी मैं खामोश रहा। सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर मैंने अपने होंठ सी लिए, अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उनकी गिरी हुई हरकतें देख कर मेरी आंखों में खून उतर आया, लेकिन मैं इसे भी पी गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुझे मैंने झूठ कहा। चांदनी, वो झूठ सही, लेकिन ये सच है। तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी। शाम, 25,000 रुपए। शाम साहब ने कहा है कि ये रकम उन्हें आज ही मिल जानी चाहिए। लेकिन पिछले महीने भी तुमसे 10,000 रुपए लिए थे। वो मैंने शादी के लिए लिए थे। बॉस, जिस तरह चांदनी के हवन कुंड में मेरे ख्वाब जले, उसी तरह आपका रुपया भी जल के राख हो गया। ये चेक मैं दूसरे हिसाब में मांग रहा हूं। कौन सा हिसाब? अपनी जान की कीमत समझ लीजिए। आप तो न जाने किस नशे में रहते हैं दिन रात, मगर मुझे 24 घंटे जागना पड़ता है। आपको तो यह भी नहीं मालूम कि आपके पार्टनर का बेटा सुरेश आपके दुश्मन आपके दामाद के घर एक भाई की तरह पला है, और भाई के खून को पानी बनाने का सिर्फ एक तरीका है। कौन सा तरीका? उसमें शराब मिलाई जाए, और शराब तो आप जानते हैं कितनी महंगी मिलती है। थैंक यू बॉस। सुरेश बाबू, आपका मनी ऑर्डर। अरे कमाल है सुरेश का भाई, दुनिया इधर को उधर हो जाए मगर उसका मनी ऑर्डर में ये एक दिन के देर नहीं होती। एक हमारे पिताजी हैं जिनका महीने 10 तरह से शुरू होता है। तुम भी मुझसे ज्यादा खुश नसीब हो यार, मेरे डैडी तो कभी कभी दो दो महीने का गोता मार जाते हैं एक साथ। कालीन में अलग जलील होना पड़ता है
और हर बार रेस कोर्स का जैकपॉट हाथ से निकल जाता है। अभी पिछले हफ्ते 3 लाख का नुकसान हुआ, 3 लाख का। ये देखो पांचों के पांचों घोड़े मार्क कर रखे थे अपनी किताब में। तो चलो यार आज किस्मत आजमा देखें। किस्मत कहाँ गजमाए, अपनी जेब तो छील के गोंजे की तरह खा ली है। अरे सुरे से उधार ले लेना यार, यार हमें तो चलता ही है, आज लिया कल लौटा दिया। अरे यार उधार की भी क्या जरूरत है, सुरेश को हिसाब से चलते हैं। ना बाबा ना, मैं रेस रेस में नहीं जाऊंगा, बड़े भैया को मालूम पड़ा जूते पड़ेंगे। हाँ छोड़ा यार भैया भैया, अब चला हमारे साथ, रेस मर्दों का खेल है। हेलो हेलो, इस रेस में भी अपना घोड़ा हार गया। तुम्हारा तो घोड़ा हार गया लेकिन मेरा तो सत्यानाश हो गया। अब कॉलेज की फीस कहां से दूंगा? फीस क्या होती है, ये लो जितना रुपया चाहिए ले लो। क्यों लूं? आप कौन हैं? मुझे अपना दोस्त समझो और इस रुपए को अपना मान। गुड इवनिंग, आओ बैठो। सुनो मेरे लिए एक लंच और साथ के लिए एक स्पेशल नींबू पानी। हो हो यस यस लो। शुरू करो। आगे टेस्ट से लेंगे पानी का स्पेशल है ना। का कोई वक्त ना सही मगर कोई तरीका होता है सुरेश, जरा अपनी सूरत देखो। मैं सिगरेट, सांस में गंदी नाली की बू, यही बनाने के लिए मां ने इतनी कुर्बानियां दी थी। मुझे मालूम था एक दिन इस घर में कुर्बानियां गिनवाई जाएंगी, उनकी कीमत मांगी जाएगी। समझ लीजिए यह है पहली किस्त, जब तक पूरा हिसाब ना चुका दूं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं बताता हूँ सब किस्ता चुका, मुझे नहीं मालूम किस्ता चुका। कोई तरीका है समझाने का? ले जाओ कंधे को मेरे
तमाम कुर्बानियां बेकार थी। तुमने सोचा था तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा, पर देख लियो मां, तुम्हारा सुरेश एक शराबी और आवारा बनता जा रहा है। उसे इंजीनियर बनाने का तरीका तो तुम्हें आता है, उसे और मारो, शायद इतनी मार काफी नहीं थी। तुम समझ रही हो सुरेश पर हाथ उठाकर मैं खुश हूं? तुम नहीं जानती उसे मारकर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। सुरेश मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उसकी आखिरी यादगार। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। सुरेश तुम? मैंने घर छोड़ दिया अपना, हमेशा हमेशा के लिए। कौन सा घर? अपने भाई का घर, और कौन सा? कौन सा भाई? अरे बुद्धू, तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई नहीं है। शाम, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ना खून का ना जन्म का। ये क्या मजाक है शाम? ये मजाक नहीं सुरेश, जहर की तरह कड़वी सच्चाई। तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या चाल चली गई है, क्या खेल खेला गया है। कौन सा खेल? जानना चाहते हो? चलो मेरे साथ। चलो। देख क्या रहे हो, आओ ना। बॉस। आओ शाम, बहुत जल्दी आ गए आज, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। ये नौजवान कौन है? आपने पहचाना नहीं इसे? नहीं तो। ये वो है जिसे आप दुनिया भर में ढूंढ रहे थे। कौन? सुरेश मेरा बेटा। जी हाँ बेटे, मेरे गले से लग जाओ बेटे। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ जानता हूं बेटे, तुम्हारी तलाश में मैंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा। सुरेश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जा रहा हूं। मैं समझ नहीं आता शाम, ये माजरा क्या है? बेटे माजरा मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, ये मकान, ये जायदाद, ये दौलत, मालूम है सब किसकी है? तुम्हारी। बेटे अफ्रीका में मैं तुम्हारे पिताजी के पास एक मामूली सा नौकर था। आप? हाँ। नौकर? मेरे पिताजी अफ्रीका? नहीं नहीं, आपको जरूर कुछ भूल हुई है, मैं तो यहीं पैदा हुआ। नहीं बेटे नहीं, मुझे कोई भूल नहीं हुई, तुम यहाँ नहीं बल्कि अफ्रीका में पैदा हुए। लेकिन मेरे भैया ने मुझे ये सब कुछ तो नहीं बताया। ये तो वही जानता होगा, मुझे लगता है इसके पीछे उसकी कोई चाल है। बेटे मैं तो अब तक यही समझता रहा कि तुम दीपक के छोटे भाई हो, लेकिन जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे मालिक की बेटी हो तो मैं बेचैन हो उठा और मैंने शाम को भेजा कि फौरन तुम्हें यहाँ ले आए। बेटे अब तुम आ गए हो तो सब कुछ संभाल लो। जिस तरह मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर था, आज से तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। आप नौकर नहीं बनेंगे, आप मेरे पिता समान हैं। आप मेरे पिता हैं। मुंशी जी। जी मालिक। ये सुरेश इस घर का असली मालिक, आज से जिस चीज की जरूरत हो फौरन मिलनी चाहिए। जो हुकुम। शाम, आई एम सो हैप्पी, लेट्स सेलिब्रेट। कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। राइट बॉस। मुंशी जी आप भी आइए, आइए 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 मुंशी जी। फादर इन लव, प्लान के हिसाब से सब ठीक हो गया, मगर एक चीज बाकी है। What's that, my friend? आपका आशीर्वाद। सौभाग्यवती हूँ बेटी, सत्पुत्रवती हूँ। इस फैमिली प्लानिंग के जमाने में ये गाली मत दो। सात बच्चों तुम हम जलील
प्लीज कमीने। डॉक्टर ठीक कहता था। क्या कहता था? तू गिरजा, तू इतने बड़े डॉक्टर की बेटी होकर इस जलील कमीने कंपाउंडर से शादी कर रही है। कर नहीं रही डैडी, कर चुकी। ठीक, अब ये मामूली कंपाउंडर नहीं डैडी, बहुत बड़े डॉक्टर। ठीक, आपसे भी बड़े। ठीक, आपसे ज्यादा कमाते हैं। ठीक, आपसे ज्यादा इज्जत। मान लीजिए ना डैडी। मान लीजिए ना। ठीक, अरे क्या नरम ठीक कहते हैं, जोर से कहिए ना। ठीक ठीक। जिंदाबाद। मुंशी जी, मैंने जो रुपए कहे थे वो बैंक से मंगवा लिए? जी हाँ, पहले इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? ओह, यू मीन सिग्नेचर। आप दिखे सा मजाक करते हैं मुंशी जी। आज तक मैंने आपसे हजारों रुपए लिए लेकिन आपने सिग्नेचर नहीं लिए, और इतनी छोटी सी रकम के लिए आप सिग्नेचर मांग रहे हैं। जानते हो अंकल ने क्या कहा था? हम यहाँ के मालिक हैं, मालिक, और मालिकों से मुंशी जी कभी सिग्नेचर नहीं मांगे जाते। तुम ठीक कहते हो बेटे, लेकिन इनकम टैक्स के लिए खानापूरी तो करनी पड़ती है ना। ओ भाई सी लाइ मुंशी। क्लब जा रहे हो क्या सुरेश? ओ यस, आज हमारे क्लब में मिक्स डबल्स का प्रोग्राम है, और मिस रेनु मेरी पार्टनर। थैंक यू, बाय बाय अंकल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बॉस, सुरेश के सिग्नेचर और स्टैंप पेपर पर? हाँ, कल इसी स्टैंप पेपर की बदौलत सुरेश की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। ओ, उसके बाद दीपक या कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गॉड ब्लेस यू बॉस। इसे बात संभाल के रखना। ज्वाला प्रसाद, अब तेरी जान मेरी मुट्ठी में। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, जो आदमी किसी पर अंधविश्वास करता है वो पाजी है, मूर्ख है, खन चक्कर है, उल्लू का पट्टा है। मैंने अंधविश्वास किया, उसका फल मुझे मिल गया। क्या वजह? मुझे नहीं मालूम था, जो भी मुझे मिलेगा ढोंगी मिलेगा, दामाबाज मिलेगा। ठीक है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब कोई माई का लाल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। किसने बेवकूफ बनाया? किसने बेवकूफ नहीं बनाया? अपनों ने, बाहर वालों ने। अजी, जब अपने अपने नहीं रहे तो बाहर वाले अपने कैसे होंगे? ये क्या कह रहे हो दीपक? कौन ऐसा अपने जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? क्या मैंने? वाह 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 वाह, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। भोली मत बनो, जरा बाहर जाकर सुनो तो। बच्चे, बूढ़े, मर्द और सबकी जबान पर एक ही बात है कि कैसी जोड़ी है। दुनिया भर को पता चल गया, बस मुझे कुछ मालूम नहीं। ये चक्कर क्या है चांदनी, ये राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा गया? दीपक, मेरी समझ में। छुओ मत मुझे, और कान खोल कर सुन लो। आज से इस घर का तुम कोई काम नहीं करोगी, खाना नहीं बनाओगी, बर्तन साफ नहीं करोगी, कपड़े नहीं धोगी, ये सब काम मैं खुद करूंगा। तुम्हें क्या हो गया दीपक? मुझे क्या हो गया? तुम्हें हो गया है चांदनी। क्या जानना चाहती हो? क्या? उठाओ वो थैली और खुद अपनी आंखों से देख लो क्या हुआ है तुम्हें। जाओ। अब डरती क्यों? सुनो सुनो, शर्म आती है। अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो 9 महीने के बाद रिलीज होगी। अरे बाप रे, इतना घूर के मत देखो, मेरा दिल बड़ा नाजुक है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है। मेरी घबराहट का कोई अंदाजा है तुम्हें? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? ये इतना शोर, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? कैसा मजाक है? किसी की जान जाए और कोई तमाशा देखे? अरे तुम तो सचमुच सीरियस होती जा रही हो। सीरियस नहीं तो क्या लाइफ मूड में रहूं? मेरा दिल तो अभी तक धक धक कर रहा है। धक धक कर रहा है? जरा सुनो तो। अरे बाप रे, ये तो रेलवे इंजन की तरह फक 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 कर रहा है। एक और आवाज आ रही है। कौन? जरा नीचे से। ये कैसी मैंने मधुर मधुर सी, अजब अजब सी आसुनी सरगम। आने वाला यहाँ कोई मेहमान है, आने वाला यहाँ कोई मेहमान है, जिसे जानना तुम हम। ये कैसी मैंने
मधुर मधुर सी अजब अजब सी आसुनी सरगम होगी सूरत तेरे जैसी या तो होगी मेरे जैसी आहा होगा मुन्ना या के मुन्निया होगी आबाद अपनी तो दुनिया तेरी आंखों का नूर मेरे दिल का सुरूर तेरी आंखों का नूर मेरे दिल का सुरूर आने वाला है हुजूर ये कैसी मैंने मधुर मधुर सी अजब अजब सी आसुनी सरगम इन होंठों से आज तलक था इन होंठों का प्यार उन होंठों से तुम चूमोगी उसको बारंबार प्यार में उसके भूल न जाना ओ देखो मुझको भूल न जाना भूल न जाना मेरी जान कैसी मैंने मधुर मधुर सी अजब अजब सी आसुनी सरगम बात पते की कहना चाहूं कहते कहते कह न पाऊं आहा आएगा पल ना सेज हटेगी कैसे अपनी रात कटेगी होंगे दोनों मजबूर पास रह के भी दूर होंगे दोनों मजबूर पास रह के भी दूर ऐसा होगा जी होगा जरूर बाबू तुम इधर आओ तुम पहले आप इनको खत्म कर लीजिए ना मैं उनको खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा तुम अपना बीमारी बचाओ डॉक्टर मैं अपनी बीमारी इन लोगों के सामने नहीं बता सकता प्राइवेट बीमारी तीसरे वाला बीमारी फिक्र नहीं करो हम बहुत तेज डॉक्टर है काट के फेंक देगा तुम्हारा बीमारी हम खंजर आदमी है नर्स ये बीमार लोग को खत्म करो तुम हमारे साथ अंदर आओ चले कम 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 कपड़ा उतारो अरे ये क्या कर रहे हैं आप अरे क्या साहब मैं बीमार नहीं हूँ तू इधर कहाँ है मुझे थोड़ा सा जहर चाहिए व्हाट जहर ये जहर का दुकान है क्या हम कसाई हैं क्या हम बेच रहे हैं कोशिश क्यों नहीं करते मैं मरना नहीं चाहता हूँ किसी को मारना चाहते हाँ हाँ नहीं मेरा मतलब ये मारना भी नहीं चाहता हूँ वो कुत्ता है ना कुत्ता डॉग वो पागल हो गया है मेरा कुत्ता पागल हो गया है उनको मारने के लिए जहर चाहिए अरे तो कुत्ता का हॉस्पिटल में जाओ इधर काहे को है इंसान लोग का हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब मैंने उस कुत्ते को इंसान की तरह पाला है व्हाट अ लवली मैन यू आर थैंक यू वेरी मच वेलकम इसीलिए मैं उसको मारने के लिए 1,000 रुपया खर्चा कर सकता हूँ व्हाट यस 1,000 करेक्ट 1,000 rupees That's right. No. अरे भाई मैं 2,000 तक दे सकता हूँ डॉक्टर 2,000 2,000 में हम चूहे का बच्चा भी नहीं मार रहा है 10-10 का 20 नोट No.
अरे डॉक्टर, I can give you 5,000 रुपीस. What are you talking, man? What are you talking? ये कुत्ते का जान को सवाल है, तो बोलते 5,000 रुपीस. 200 का 50 नोट. अरे अच्छा डॉक्टर, आप खुद ही बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, कितने में सौदा करने का? देखो, तुम कुत्ते को बहुत प्यार किया, अभी तुम कुत्ते को कत्ल करने को मांगता, हम तुम्हारा वास्ते 10,000 में फैसला करता है. डॉक्टर, यस, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ. हम लेने को तैयार हैं. गिन लो. वेरी गुड. ठीक है ठीक है ठीक है. जहर किधर है? जहर अभी किधर मिलेगा? बहुत कड़क जहर है, इसको पीस कर बनाना पड़ेगा. कल सुबह आओ. जब ही जहर मिलेगा तभी पैसा मिलेगा. अभी तुमको जहर मिलेगा नहीं. गेट आउट. नो नो. गेट आउट. डॉक्टर प्लीज, गेट आउट. अभी तुम्हारा खोपड़ी ठिकाने को आया. पर कल किधर मिलेगा? कल इधर ही आओ, पिछवाड़े मिलेगा. अच्छा. गेट आउट. डार्लिंग. Yes, darling. एक छटके का कमाई 10,000 रुपए. डांस का मजा आया ना? बहुत मजा आया. सुरेश विस्की नहीं पीता, वो नींबू पानी पीता है, और वो भी स्पेशल. क्या सुरेश? लाओ. थैंक यू. रुको 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 रुको. आपका नाम दीपक है ना? हाँ. आप सुरेश के भाई हैं ना? हाँ. गजब हो गया, आपके भाई की दम खतरे में है. कहाँ है वो? आपका भाई सेठ ज्वाला प्रसाद के घर में दब तोड़ रहा है, जल्दी कीजिए. सुरेश, क्या हो रही है? क्या बात है दीपक? अव्वल तो कोई शरीफ आदमी बिन बुलाए किसी घर आता नहीं. आता है तो यूं हाथ पांव से बात नहीं करता, ये बाजारी तरीका है, शरीफों का चलन नहीं. मैं आपसे शराफत सीखने नहीं आया, मैं अपने भाई को लेने आया. छोड़ो मेरा हाथ. मेरी उम्र अब उंगली थामने की नहीं. तुम्हारी उम्र अब शराब पीने की नहीं. शराब मैं तुम्हारे पैसे की नहीं पीता, और ना ही तुम्हारे घर में बैठ के पीता हूं. थैंक यू. तुम जानते हो किसके घर में शराब पी रहे हो? जानता हूं. ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, दौलत, ये जायदाद, ये ऐशो आराम, ये शान और शौकत. सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है. तो इन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ हाँ, सब कुछ बता दिया है. इनसे यह भी पूछा, इतने वर्षों तक कहां छुपे हुए थे? मैं कहीं नहीं छुपा रहा, बल्कि तुमने सुरेश को छुपाए रखा ताकि इसकी सारी जायदाद के मालिक बन सको. बोलो, ये झूठ है क्या? झूठ सच तो सिर्फ आप ही जानते हैं, या आपका काला जमीर जानता है, और अब मैं भी जानता हूं. आओ सुरेश, घर से. कौन से घर? तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं. उतर गया, उतर गया. तुम्हारी झूठी मोहब्बत का नशा, झूठे प्यार का नशा. सुरेश, क्या हो गया तुम्हें? वो प्यार झूठा था जो तुम्हें उस घर में मिला, वो कुर्बानियां झूठी थी जो मां ने तुम्हारे लिए की है. जहां तुम अपना पांव रखते थे वह अपना दिल बिछाती थी. उसने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना तुम्हें दिया, उसने तुम्हें इस तरह रखा जैसे जिसमें जान रहती है. सुरेश, मरते वक्त भी उसकी जबान पर तुम्हारा नाम. झूठ झूठ, ये सब झूठ है, शुरू से आखिर तक सब झूठ है. तुम्हारी माँ क्या थी और तुम क्या हो, मैं अच्छी तरह पहचान गया हूं. उस देवी के बारे में तुम ये कह रहे हो? हाँ हाँ, वो देवी थी तो झूठ की देवी. सुरेश 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 सुरेश, मेरे भाई सुरेश. सुरेश सुरेश, क्या हो गया सुरेश को? सुरेश सुरेश, हम क्या फोन करें उसके को? सुरेश सुरेश, क्या हो गया तुम? सुरेश शाम, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, पुलिस को टेलीफोन करो. मुंशी जी, हेलो पुलिस. हाँ देखिए, मैं सेठ ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, अब यहाँ जल्दी आइए, मर्डर हो गया है. सुरेश, मुंशी जी, मुंशी जी आइए. आइए इंस्पेक्टर साहब. इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस बदमाश को, इसने मेरे बच्चों को मार डाला है. आई मौसी, बड़ा गजब हो गया बेटे, तुम्हारा पति पकड़ा गया, उसने खून किया सुरेश का. खून? ये नहीं हो सकता. पगली, इस हालत में कोई इस तरह भागता है? मैं क्या करूं मौसी? इस हालत में तुम कर भी क्या सकती हो? प्रार्थना करो, भगवान भला करेंगे. नहीं, आपकी लाश किसी को नहीं दे सकती. इंस्पेक्टर साहब, सुरेश मेरा भाई है, ये
यकीन कीजिए सुरेश मेरा भाई है। ज्वाला प्रसाद जी, वो कहता है कि सुरेश उसका भाई है और आप कहते हैं कि आप उसके निगरान हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी बिल्कुल झूठा है। आप मेरी बात सुनिए, मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म है कि लाश का अंतिम संस्कार पुलिस की निगरानी में किया जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है। ज्वाला प्रसाद जी, जी आप निश्चिंत रहिए, आराम कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ज्वाला प्रसाद, तुम्हारे हाथ इतने लंबे हैं मुझे मालूम नहीं था। अब तुम शाम के हाथ भी देखो। बॉस, मैंने सुना था चोर चोरों के घर चोरी नहीं करते, डाकू डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। कहना क्या चाहते? वो कोरे कागज जिन पे सुरेश के दस्तखत थे चोरी हो गए। क्या कहा? चोरी हो गई? इतनी कीमती चीजों के बारे में ऐसी गफलत, ऐसी लापरवाही! मैंने कितनी मुश्किल से दस्तखत किए थे और तुमने कितनी आसानी से खो दिया उन्हें। शाम, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई और सात जड़े मेरी भी काटी। कुल्हाड़ी मैंने नहीं चलाई बॉस, बल्कि मेरी पीठ में छुरा घोपा गया है और वह छुरा घोपा है तुमने मिस्टर ज्वाला प्रसाद। वो कागज तुमने चुराए। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। मैंने दिलो जान की बाजी लगाकर सुरेश को तुम्हारा गुलाम बना दिया, उसकी जान लेने में 50-50 का हिस्सेदार बना। लेकिन जब दौलत बांटने का वक्त आया तो आंखें बदल गई, अपने पार्टनर के घर चोरी करने पे उतर आए। तो एक टेलीफोन से तुम्हें वहीं भिजवा देता जहां दीपक बंद है। दूर है भाई नजरों के सामने से। बॉस, आज तक तुमने अपने पार्टनर की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी का भी मजा चख लेना। हेलो, सेठ ज्वाला प्रसाद बोल रहा हूँ। ज्वाला प्रसाद जी, दीपक हवाला से भाग गया है। क्या कहा? इंस्पेक्टर भाग गया? जी हाँ, पुलिस उसकी तलाश में है, मगर प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। दीपक जेल से भाग निकला है, किसी भी तरह से फांस लो, समझ के? वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। घबराओ नहीं चांदनी, पुलिस ने मुझे बाइज्जत रिहा किया है। मिस्टर दीपक, हैंड्स अप, पुलिस वालों ने तुम्हें बाइज्जत रहा नहीं किया, तुम जेल से फरार हुए हो और आते ही पिंकी को भगा ले गए। पिंकी को कोई भगा के ले गया? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, लगाओ हथकड़ी। हेलो इंस्पेक्टर भोसले, हो गई तुम्हारी चाल कामयाब, अब चलो जहां मुझे ले जाना चाहते थे। चलो घबराओ नहीं चांदनी, मैं कैसे भी कहीं से भी अपने मुन्ने की पहली आवाज सुनने के लिए चला हुआ। मुझे छोड़ दो डैडी, डैडी, डैडी। मैं तो बच्ची का सर तोड़ दूंगा। शाम, छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दूंगा, पहले वो कागजात मेरे हवाले करो।
मैंने कहा ना कागजात मेरे पास नहीं है। नहीं है तो ये देता हूँ कागजात। दीपक दीपक मेरी बच्ची को बचाओ दीपक। ये क्या बचाएगा जब खुद बेसहारा। बॉस इसके हाथ में मार दो। छोड़ दो बच्ची। जहर किसने दिया था? बताता बताता। मेरा भाई कैसे मरा था? सुरेश सुरेश को जहर दिया गया था। किसने जहर दिया? बताता हूँ। आइए आइए ज्वाला प्रसाद जी आइए। कमिश्नर साहब आपने मुझे बुला लिया, मैं तो खुद ही हाजिर होने वाला था आपको मुबारकबाद देने की। तशरीफ देखिए। थैंक यू। वाह वाह वाह, किस फुर्ती किस होशियारी किस तेजी के साथ आपने जेल से भागे हुए खूनी को पकड़ा है। अजी कौन कहता है कि हमारी पुलिस ढीली है कमजोर है। हुजूर मैं तो उस ऑफिसर को अपनी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम देना चाहता हूँ जिसने ये बहादुरी दिखाई। इनाम बाद में दीजिएगा, पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। जी मुझे? जी हाँ फरमाइए। एक कहानी अफ्रीका से शुरू होती है जहां पर एक सेठ दौलत राम थे और आप उनके नौकर थे। एक रात आपके सेठ ट्रक के नीचे रौंद दिए गए। हुजूर वो तो एक हादसा था, इस किस्म के हादसे सड़कों पर रोज होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सेठ दौलत राम की मौत कोई हादसा नहीं था ज्वाला प्रसाद जी, उन्हें ट्रक के नीचे रौंद दिया गया था और उस ट्रक ड्राइवर को आपने बहुत सा रुपया दिया था। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच है ज्वाला प्रसाद जी। आइए सराज। हजूर मुझे पैसे मिले थे सेठ जी को ट्रक के नीचे कुचलने के लिए, वो ज्वाला प्रसाद ने पैसे दिए थे। मैंने? अच्छा अच्छा सराज जी, अब ये भी बता दीजिए कि मैंने कितने पैसे दिए। 100 पाउंड।
सुन लिया कमिश्नर साहब, एक आदमी 100 पाउंड के लिए कत्ल कर सकता है, तो क्या वो 100 रुपए के लिए झूठ नहीं बोल सकता? ये झूठ सही, मगर ये झूठ नहीं। पहले बाप हलाक हुआ, उसके बाद उसके नन्हे बेटे को हलाक करने की कोशिश की गई। तो तुम्हारा मतलब है कि वो कोशिश भी मैंने की थी? वो मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। लाला प्रसाद। ये कौन है साहब? मैं तो इसे पहचानता तक नहीं। नहीं पहचाना ज्वाला प्रसाद, मगर मैं तुम्हें खूब पहचानता। याद है वो रात जब तुम हाथ में छुरा लिए हमारे मालिक के नन्हे मुन्ने को खत्म करने आए? क्या बकते हो तुम? मगर मैंने आपकी नजरों से बच्चों को छुपा लिया और उसे मैं भारत ले आया और यहाँ उसकी बुआ को सौंप दिया। कमिश्नर साहब, इसमें जरूर कोई चाल है। मैं इस आदमी को जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये रिवॉल्वर भी आप पहली बार देख रहे हैं? ये वो रिवॉल्वर है जिससे शाम की मौत हुई है। तुम्हारा मतलब है कि शाम को मैंने मारा है? शाम को गोली तुमने मारी है, तुमने? ज्वाला प्रसाद जी, इस पे आपकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो ये तस्वीर देखिए, देखिए कौन किस पे गोली चला रहा है। ये तस्वीर झूठी है और तुम भी झूठे हो। ये सब क्या हो रहा कमिश्नर साहब? कैसे कैसे जुर्म मेरे गले बांधे जा रहे हैं और आप खामोश बैठे? अभी तो ड्रामे का आखिरी एक्ट बाकी है और वो है सुरेश की मौत का सवाल। उस सवाल का जवाब पुलिस को बहुत पहले मिल चुका है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट चीख चीख कर कह रहा है कि सुरेश की कातिल तुम हो। तुम चीख आप रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी, सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि जिस डॉक्टर ने सुरेश की लाश का मुआयना किया था वो भी यही मौजूद है। डॉक्टर मुखर्जी प्लीज। ये हैंडराइटिंग पहचानते हैं आप? जी हाँ, ये मेरा ही हैंडराइटिंग है, मगर ये सर्टिफिकेट झूठा है। झूठा है? जी हाँ। सुरेश की मौत तमांचों से नहीं, जहर से हुई थी, जो उसे बहुत पहले पिलाया गया। सुन लिया आपने, जो डॉक्टर झूठा सर्टिफिकेट दे सकता है वो झूठे बयान भी तो दे सकता है। दे सकता है, मगर ये झूठा सर्टिफिकेट पुलिस ने खुद लिया था असली मुजरिम को पकड़ने के लिए। हम जानना चाहते थे कि सुरेश को जहर किसने दिया और क्यों। कमिश्नर साहब, आप भी यही सोच रहे हैं कि सुरेश को जहर मैंने दिया था? मैं उसे जहर कैसे दे सकता था? मैं तो उसकी जायदाद का निगरान था, हमेशा निगरान ही रहा। मालिक बनने की कोशिश कभी नहीं की मैंने, इसने मालिक बनने की कोशिश की और इस सिलसिले में हमेशा मुझे डराता रहा, धमकाता रहा। लेकिन जब मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि मैं हकदार को उसका हक दूंगा, ब्लैकमेलर को रिश्वत नहीं दूंगा, तो मेरी जान का दुश्मन बन गया ये। अब आप ही बता रहा प्रसाद जी, इस तमाम कथा का उस जहर से क्या ताल्लुक है? मेरे सामने तो रिपोर्ट भी रखी हुई है जिससे साफ जाहिर होता है कि जहर आपने मंगवाया था। मैंने? यस, तुमने। ये कौन है? आई एम फेमस डॉक्टर गोपीनाथ, रोमियोपैथी एक्सपर्ट। इनका आदमी हमारे कोई कुत्ता मारने के वास्ते जहर मांगा। हम 10,000 रुपए मांगा, इसका आदमी दिया 10,000। ये लीजिए कमिश्नर साहब, 10,000 रुपए। दुनिया में होंगे ऐसे पागल लोग? इन तमाम शहादतों, इन तमाम सबूतों और इन तमाम बयानात के बाद भी आप कह सकते हैं कि सुरेश की मौत मेरे तमाचों से हुई, आपकी दी हुई जहर से नहीं? हाँ कमिश्नर साहब, अगर आज मेरा सुरेश जिंदा होता तो वो खुद आकर बताता कि उसका असली कातिल। सुरेश, तुम हो मेरे असली कातिल ज्वाला प्रसाद। तुमने सबसे पहले कोरे कागजों पर मुझसे दस्तखत करवा लिए, सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, फिर मुझे मौत के घाट उतारना चाहा। ये झूठ है कमिश्नर साहब, सब झूठ है। ये सुरेश भी नकली है, असली सुरेश तो कब का मर चुका है। नहीं 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 नहीं, वो मरा नहीं। हम जो जहर बेचा था वो झूठा जहर था, उतना ही झूठा जहर जितना रोमियो जूलियट के ड्रामा में जूलियट को दिया गया। उससे आदमी 3 दिन के वास्ते मुर्दा तो हो सकता है पर मरता नहीं है। क्या नहीं होता है? मरता नहीं है। कमिश्नर साहब, मैं खुद मौजूद था शमशान में, सुरेश की लाश मेरी आंखों के सामने जली और जलकर राख हो गई। जो जलकर राख हुआ वो सुरेश नहीं था ज्वाला प्रसाद जी, वो हॉस्पिटल से लाया गया एक लावारस मुर्दा था जिसे आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए जलाया गया था। असली सुरेश को बचा लिया गया था। कमिश्नर साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो सुनी जा रही हैं और सुनाई जा रही। अगर नहीं सुनी जा रही तो सिर्फ मेरी बात, जिसकी शहर में इतनी इज्जत है, इतना बड़ा नाम है, मेरे सामने क्या हकीकत है इस रास्ते की खाक की? हकीकत मैं बताता हूँ, दीपक रास्ते की खाक नहीं बल्कि हमारी CID का बाइज्जत ऑफिसर है।
आप लाशों के सौदागर भी हैं और खून के ताजर भी, लेकिन आप इतने होशियार नहीं ज्वाला प्रसाद जी जितना एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर। इस रिवॉल्वर में नकली गोलियां जानबूझकर भर दी गई थी। बेटी, ये जो कुछ तुम देख रही हो ये तो आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए। नहीं दादी। ना बेटी ना, मुझसे दूर रहो। तुम्हारी गोद में नन्ना जीवन खिल रहा है, उस जैसे हत्यारे की छाया भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए। चांदनी बेटे, पिंकी का ख्याल रखना। अरे जा देख, देख तेरा चाचा है। प्यारा बेटा है। तू इतना समझ ले सनम, हो तू इतना समझ ले सनम, कोई रखवाला हूँ मैं तेरा, तेरी चाहत की मुझको कसम।